स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं खुशी अय्यारन हाजिर हूँ आप सभी के सामने बुंदेलखंड की कुछ अहम खबरों के साथ। अब खबर जालौन से। माधवगढ़ नगर में स्थापित होने जा रहे मुंसिप कोर्ट की प्रगति देखने के लिए जिला जज और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तहसील का दौरा कर जरूरी निर्देश दिए। काफी लंबे समय से मुंसिप कोर्ट की स्थापना के लिए अधिवक्ता प्रयासरत रहे हैं, जिसके लिए अस्थायी भवन में मुंसिप कोर्ट चलाए जाने की स्वीकृति हो चुकी है। पहले नगर में कई प्राइवेट भवनों को किराए पर लेने की बात चली, लेकिन कोई भी भवन उपयुक्त नहीं मिला, जिसके बाद तहसील में स्थित बार संघ के भवन में और उसके पीछे पड़ी जगह में मुंसिप कोर्ट को चलाने की सहमति बन गई। निर्माण की प्रगति देखने के लिए जिला जज अशोक कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया। अगले एक सप्ताह बाद आने को कहा, तब तक कार्य पूरा होने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सफाई व्यवस्था पर निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान SDM सालिकराम, तहसीलदार प्रेम नारायण प्रजापति, बार संघ अध्यक्ष जितवार सिंह, इंस्पेक्टर BL यादव मौजूद रहे। जालौन से महेंद्र कुमार गौतम।